नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही हैं। चंडीगढ़ के एक व्यापारी ने अब उनके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाकर शिकायत की है। व्यापारी का आरोप है कि शोरूम खोलने के बाद कंपनी दिल्ली से सामान नहीं भेज रही है और कंपनी की वेबसाइट भी बंद चल रही है। अब पुलिस अफसरों ने सलमान, अलवीरा के अलावा बीइंग ह्यूमन के सीईओ प्रसाद कपारे को भी समन भेज दिया है। पुलिस को दी शिकायत में व्यापारी अरुण गुप्ता ने बताया कि सलमान के कहने पर उन्होंने मनी माजरा के एनएसी एरिया में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी का शोरूम खोला था। शोरूम खुलवाने के लिए स्टाइल क्विटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड से एक एग्रीमेंट भी करवाया। इन सभी ने शोरूम तो खुलवा लिए लेकिन किसी तरह की कोई मदद नहीं की। बीइंग ह्यूमन की ज्वेलरी जिस स्टोर से उन्हें देने के लिए कहा गया था वह बंद पड़ा है, इस कारण उन्हें सामान भी नहीं मिल पा रहा और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि व्यापारी की शिकायत पर सभी से 10 दिन में जवाब देने की मांग की गई है। व्यापारी अरुण के मुताबिक सलमान ने उन्हें बिग बॉस के सेट पर बुलाया और कंपनी खोले जाने पर उन्हें हर तरह की सहायता देने का भरोसा भी दिया। सलमान ने चंडीगढ़ में शोरूम खुलने की बात भी कही थी। शिकायतकर्ता ने एक वीडियो पुलिस को भेजा है। उनका आरोप है कि सुपरस्टार ने कहा था कि वे शोरूम के उद्घाटन पर आएंगे लेकिन बाद में व्यवस्था के चलते वे नहीं आए। दोस्तों आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि बीइंग ह्यूमन कैसे चलता है, कैसे काम करता है। तो दरअसल सलमान एक चैरिटी फाउंडेशन चलाते हैं जिसका नाम है बीइंग ह्यूमन। ये फाउंडेशन लोगों से डोनेशन लेने के बजाय बीइंग ह्यूमन के कपड़े ऑनलाइन और स्टोर पर बेचकर पैसे इकट्ठा करता है। सलमान खान भी अक्सर बीइंग ह्यूमन के ही कपड़े पहने दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि वे अपने दोस्तों और करीबियों को भी बीइंग ह्यूमन के कपड़े ही गिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।